जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। दोस्तों फिलहाल मैं खड़ा हूँ वैष्णो देवी माता रानी के दर्शन करने आया हूँ। नवरात्रि है, अक्टूबर में 2023 में माता रानी का आ गया बुलावा, तो मैं आ गया माता रानी के दर्शन करने के लिए, आपको भी दर्शन कराने के लिए। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि माता रानी के भवन को इस बार कैसा सजाया गया है 2023 में अक्टूबर में नवरात्रि के समय कैसा सजाया गया, सब दिखाऊंगा आपको, दर्शन कराऊंगा पूरे यात्रा के। मैं आपको दिखाऊंगा पूरा नज़ारा, यहाँ पे जो है नया जो रास्ता है माता रानी के दर्शन का वो दिखाऊंगा, पुराना वाला जो ट्रैक है वो दिखाऊंगा, ठीक है। और सारी जानकारी भी यहाँ की दूंगा, आप रेल के द्वारा कैसे आ सकते हो, बस के द्वारा कैसे आ सकते हो, फ्लाइट के द्वारा कैसे आ सकते हो, कमरे वगैरह की सुविधा, सस्ते में कमरा कहाँ मिलेगा, खाने पीने की सुविधा, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, दर्शन कराने वाला हूँ। तो आए हैं चैनल पर पहली बार, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। कमेंट में जय माता दी तो भाई लिखना है, सब्सक्राइब करो ना करो, कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना, क्योंकि माता के नवरात्रि आ चुके हैं। तो जय माता दी, आइए सारी जानकारी लेते हैं और अपनी इस यात्रा को शुरू करते हैं। जय माता दी। दोस्तों माता रानी के अगर आप दर्शन करने आना चाह रहे हो तो आप तीनों सुविधा से आ सकते हो। पहली सुविधा आपकी रहेगी रेल की सुविधा, दूसरी रहेगी आपकी बस की सुविधा, और तीसरी रहने वाली है फ्लाइट की सुविधा। तीनों से मतलब आप आ सकते हैं जैसे आप जाना आना चाहें। फिलहाल मैं यहाँ पर हूँ कटरा के बस स्टैंड पर। आइए मैं आपको पहले बस का ही बता देता हूँ कि कौन कौन सी बस यहाँ पर आती है, कहाँ से आती है। आप सामने देख सकते हैं प्राइवेट बसेस के बारे में लिखा है, कटरा टू जम्मू तावी रेलवे स्टेशन, कटरा से जाती है जम्मू बस स्टैंड, कटरा से जाती है उधमपुर, कटरा से जाती है रईसी, कटरा से जाती है पौनी, कटरा से जाती है अरनस, कटरा से जाती है क्या सुकराला देवी, कटरा से जाती है मोहरे, कटरा से जाती है रजौरी। इन जगहों पर बस जाती है, प्राइवेट बस का है, सरकारी बस का वहाँ सामने है वो भी बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट है जम्मू से बस कहाँ कहाँ जाती है। देखो दिल्ली पटियाला, दिल्ली पटियाला, दिल्ली मतलब बहुत सारे, यहाँ पे चंडीगढ़ हो गया, देहरादून हो गया, अमृतसर हो गया। टाइमिंग भी लिखी हुई है बस कितने कितने बजे चलती है, देख सकते हैं आप, जूम करके दिखाता हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख लेना। मनाली जाती है, उधमपुर, बिलासपुर, चंबा, धर्मशाला, सुंदरनगर, देख लो भाई आप कहाँ कहाँ जाती है वीडियो पॉज करके। अगर आप रेल के द्वारा आने की सोच रहे हो, श्री माता वैष्णो देवी कटरा का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से आप यहाँ तक आ सकते हैं। फ्लाइट से आना चाह रहे हो तो जम्मू तक की फ्लाइट आती है, जम्मू आप आ सकते हो फ्लाइट से, और उसके बाद बस वगैरह टैक्सी वगैरह लेकर यहाँ तक पहुँच सकते हो। बस की बात करें तो बस वाले 100 रुपये लेते हैं जम्मू से यहाँ तक आने के, ये बस स्टैंड पर ही उतारेंगे वो। दोस्तों माता रानी के दर्शन के लिए आपको RFID कार्ड या फिर कहीं यात्रा पर्ची लेना जरूरी होता है, अगर आप नहीं लोगे तो आप आगे नहीं जा सकते, यात्रा नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूँ यात्रा पर्ची कहाँ से बनती है या फिर RFID कार्ड कहाँ से बनता है। तो भाई ये कटरा में तीन जगह से बनता है, सबसे पहला कटरा का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से बनता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं यात्रा स्लिप काउंटर, तो यहाँ से आपको जो है मिल जाता है यात्रा स्लिप अपनी, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं यात्रा स्लिप चाहे तो। ये देखो पूरा बताया है इन्होंने, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके ले सकते हैं। और यहाँ की जो टाइमिंग है वो रहेगी 5:00 से रात को 10 बजे तक। दोस्तों अभी हम यहाँ से निकले हैं रेल से बाहर, तो यहाँ से ना आप अपना रूम वगैरह बुक करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट देख सकते हैं अभी क्या रहने वाला है। ये देखो लिखा गवर्नमेंट होटल रूम्स बुकिंग कटरा, AC नॉन AC अवेलेबल हेयर एंड स्पेशल पैकेज फॉर कश्मीर पटनी टॉप शिवकोड़ी। तो ये देख सकते हैं आप पूरा कॉन्टैक्ट नंबर ये लिखा, बाकी ये देख सकते हैं, और यात्रा पर्ची आपको यहाँ से मिल जाती है। ये दूसरा मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है कटरा का बस स्टैंड, यहाँ से बनता है। और तीसरा जो है निहारिका भवन, वहाँ से बनता है। तो आप जहाँ पर से बनवाना चाहो बनवा सकते हो, आधार कार्ड अपने पास रखना, जितने लोग हैं सब अपने अपने आधार कार्ड अपने पास रखना, और ये बिल्कुल फ्री होता है, इसको कोई पैसा नहीं लगता। दोस्तों यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हो ना, यहाँ पे जो है फूड स्टेशन भी है, शॉपिंग लॉन्च है, यहाँ से आप खा पी सकते हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर से ही। लास्ट टाइम हमने खाया था, अच्छा था खाना, भोजन स्थल भोजन स्थान पूरा खा सकते हो, बजट में रहता है। और दोस्तों काफ़ी भक्त हमें यहाँ पर मिले हैं जो कि फरीदाबाद से आए हैं, इनसे पूछ लेते हैं, ये जो है यात्रा करके आ चुके हैं वापस जा रहे हैं, भाई कैसा लगा आपको, कैसी यात्रा रही? बहुत अच्छी यात्रा रही, बहुत अच्छी हालत खराब हुई, हालत खराब कुछ भी नहीं। अरे भाई देखो चढ़ाई में अगर माता रानी आसानी से दर्शन देगी तो फिर भी नहीं है, देखो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। बाकी कुल मिला के अच्छा सफर है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, श्राइन बोर्ड बहुत अच्छे काम कर रहा है, हम उनकी सेवाओं से सेटिस्फाई है, उन्होंने अच्छा प्रोग्राम किया हुआ है। तो वही दोनों ही बता रहे हैं कि बहुत अच्छे दर्शन हुए और कोई थकावट नहीं, माता रानी ने साथ दिया। अच्छा आपको आप दोनों कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा, बढ़िया से हो गए दर्शन? हाँ जी। चलो भाई अच्छा, अभी सबको जो है अच्छे से हुए हैं दर्शन। देखो जय माता दी तो बोल दो एक बार, जय माता दी, जय। दोस्तों अगर आप अपनी गाड़ी से आने की सोच रहे हैं तो भाई आपको काफ़ी जगह पार्किंग मिल जाती है, बस वही है जितनी भीड़ होगी तो उतना पार्किंग फुल भी रहेगी। अभी देखो यहाँ पूरा आप देख सकते हैं पार्किंग फुल है, तो कई जगह पार्किंग बनाई हुई है इस तरीके से,
तो हम यहाँ से जा रहे हैं यात्रा पर्ची अपनी लेने के लिए, भीड़ फिलहाल है नहीं ज्यादा, चलिए चलते हैं। तो भाई यहाँ पर देखो लाइन लगी हुई है RFID कार्ड के लिए, देख सकते हैं यहाँ पर आप, देखते हैं कितनी देर में आता है नंबर। यहाँ से आप टाइमिंग भी देख सकते हैं, RFID कार्ड अगर बनवाना है आपको तो टाइमिंग क्या रहेगी, ओपनिंग टाइम है 5:00 बजे, क्लोजिंग टाइम है 10:00 बजे, तो इसी बीच के अंदर आप आना, इस बीच के अलावा आप आते हो तो भाई बंद मिलेगा आपको। नज़ारा देखो माता रानी के भवन का कितना प्यारा नज़ारा है, वो अर्धकुंवारी वहाँ माता का भवन है, तो यहाँ सामने आप देखोगे वहाँ पर वो है निहारी का कॉम्प्लेक्स, पास चल के दिखाता हूँ, बिल्कुल पास आगे निहारी का कॉम्प्लेक्स के, यहाँ इसकी सारी डिटेल लिखी है अभी बताता हूँ। ये देखो बस स्टैंड है ये, और यहीं आपको निहारी का कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, यहाँ लिखा डबल बेडेड फुल स्टे, मतलब पूरा 24 आवर के लिए, तो वो 2200 रुपये रहने वाले हैं बेड डबल बेड के, 4 बेड के रहने वाले हैं 2800, और ये डबल बेडेड शार्ट स्टे का है तो वो 950, 4 बेड का 1400। शक्ति भवन में अगर डॉर्मेट्री लेना चाहते हो वो है आपका पर बेड का 150 रुपये, और आशीर्वाद भवन में लेना चाहते हो तो वो है 150 रुपये। चेकआउट टाइम रहेगा 10 बजे का सुबह का, और डॉर्मेट्री के साथ में लॉकर वगैरह की भी सुविधा होती है जैसा कि मैंने आपको बताया, और डॉर्मेट्री वगैरह में जो है लॉकर वगैरह की सुविधा भी होती है, वॉशरूम, पीने का पानी, चार्जिंग पॉइंट सब कुछ होता है। अगर आपको निहारी का कॉम्प्लेक्स ठीक नहीं लग रहा आपके हिसाब से तो आप होटल वगैरह में भी जा सकते हैं, होटल वाले अपने हिसाब से पैसे लेते हैं, सीज़न नहीं होता तो 500 रुपये भी मान जाते हैं, 400 भी मान जाते हैं, और जब पीक सीज़न होता है तब भाई 1000 रुपये मांगते हैं, 1200 रुपये मांगते हैं, 2000 भी मांग लेते हैं, वो आपका जैसा बजट हो आप देख लेना, बार्गेनिंग वगैरह करके हो जाता है सब मैनेज। बाकी ये ज़्यादा लोग इसी को पसंद करते हैं, निहारी का कॉम्प्लेक्स को। हिमांशु भाई वो फेमस यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट क्या नाम था उसका, कलाड़ी कुलचा, हाँ तो भाई यहाँ पे क्या है फेमस डिस्ट्रिक्ट कलाड़ी कुलचा उसका नाम है। अगर ये सब वीडियो भी आप देखना चाहते हो ना इंस्टाग्राम पे डालते रहता हूँ ये सब वीडियो कि क्या फेमस है यहाँ पर, कहीं भी मैं जा रहा हूँ ना वहाँ की अपडेट इंस्टा पे देते रहता हूँ, तो चाहो तो इंस्टा पे भी फॉलो हमें कर सकते हो आप। निहारी का भवन में जो है भोजनालय भी है, खाना पीना हो तो यहाँ भी तो भी आ सकते हैं आप यहाँ पर, तो चलिए खा पी लेते हैं अंदर चल के, स्नैक्स वगैरह चाय वगैरह पी लेते हैं। अच्छा अपना खाना भी खा सकते हैं बैठ के, अच्छा तो भाई यहाँ पे अपना खाना बैठ के भी खा सकते हैं आप। तो निहारी का कॉम्प्लेक्स से हम खाना पीना खा के आ चुके हैं, अभी हम फ्रिश किंग पॉइंट तक जा रहे हैं ऑटो के द्वारा। अच्छा पैदल चल रहे हैं, चलो बहुत महंगा कर रहे हैं। अच्छा महंगा कितना बता रहे हैं, दो ऑटो कर लो 6 लोगों के लिए, कितने रुपए? 300 रुपए मांग रहे हैं। 300 रुपए तक के लिए बताओ। अरे बताओ 2 किलोमीटर होगा मुश्किल से, 1.5-2 किलोमीटर है, 600 रुपए मांग रहे हैं। दोस्तों सामने आप देख सकते हैं पूरा ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है, ये नया रास्ता है माता रानी के भवन जाने का, ये देख सकते हैं पूरा सैड है, बारिश हो रही है फिलहाल तो सैड है पूरा लगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। वेलकम टू नवरात्रि फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर, चलिए चलते हैं, बहुत भीड़ है भाई। तो यहाँ पर देखो गर्मा गर्म राजमा चावल का भंडार चल रहा है भाई, नवरात्रि में आप आते हो ना तो भाई भीड़ बहुत ज्यादा मिलेगी, साथ ही भंडारे भी है, देखो भाई लेके जा रहे हैं, अचार भी मिला रहे भाई साथ में, सब कुछ मिल रहा है यार ये देखो भाई। तो भाई कई सारी ऐसी दुकानें हैं देखो, यहाँ पे साइड बैग वगैरह मिल रहे हैं, जरूरी होते हैं इसमें पर्स वगैरह, अपने कीमती सामान वगैरह रख लो जो नीडेड है, बाकी लाठी तो भाई सबसे जरूरी होती है, बुजुर्ग लोग जरूर ले, तो हम भी ले ही ले रहे हैं, क्या पता दिक्कत हो आगे चल के, ले लो निकाल लो कोई सी। दोस्तों अगर आपको ना ऐसा लग रहा है कि ये वाले भाई ने तो भाई सारी जानकारी दे दी, रहना खाना आना जाना सब बता दिया, तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, ठीक है भाई, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। टाइम की बात करें सुबह के 12 बज रहे हैं, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं भवन पे, टाइम बताऊंगा ऊपर जाके। दोस्तों यहाँ पर देखो RFID कार्ड चेकिंग के लिए कितनी लंबी लाइन लगी भाई, इतनी बार मैं आऊँ नवरात्रि में भी, सर्दी में भी, स्नोफॉल के टाइम भी, बट भाई इतनी लंबी भीड़ मैंने इतनी लंबी लाइन कभी नहीं देखी आज तक, पिछले नवरात्रि में भी इतनी भीड़ नहीं थी, इस बार पता नहीं क्या ऐसी बात हो गई, इतनी लंबी लाइन भाई। वहाँ जाके एंट्री गेट है और ये लगभग 1 किलोमीटर है, मतलब इतनी लंबी लाइन लगी पड़ी है, देखो दिखाता हूँ, पहली बार देख रहा हूँ इतनी भीड़ तो। ओ भाई क्या बात है, पहली बार देख रहा हूँ इतनी लंबी लाइन भाई यहाँ पर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो एंट्री गेट है जहाँ से हमारी यात्रा की शुरुआत होगी, वहाँ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डेकोरेशन की हुई है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो अभी हम लाइन में लगेंगे आगे, पहले आपको यहाँ दिखा देते हैं नज़ारा यहाँ का, कितना सुंदर लग रहा है देखो, कितना प्यारा सजाया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो भाई लाइन में लग के हम भी आ चुके हैं आगे तक, तो थोड़ी देर में हम गेट क्रॉस करके आगे पहुँच जाएंगे। ये देखो भाई यहाँ पे अभी सजावट की जा रही है, नवरात्रि का कल से शुरुआत है ना, तो आज जो है की जा रही है, देखो पूरी तैयारी, ऊपर तो हो गया है, ऊपर रेडी हो गया, नीचे जो है किया जा रहा है अभी। तो भाई बारिश स्टार्ट हो गया, भीग रहे हैं खड़े खड़े, रेनकोट भी आप ले सकते हो, देते हैं काफ़ी 50 में 100 में अलग अलग रेट में मिलते हैं रेनकोट। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं है, लैपटॉप, टैब, वीडियो कैमरा, हैंडी कैमरा, दूरबीन और किसी भी किस्म का हथियार ले जाना सख्त मना है। दोस्तों चेकिंग करवा के आगे आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा शोर है। चलिए भाई पिट्टू वगैरह का रेट बता दो आपको, पिट्टू हो गया, पोनी वगैरह का क्या रेट रहता है बताता हूँ। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है भाई, बहुत ही ज़्यादा, ये देख सकते हैं यहाँ पर आप, देखो अगर आपके पास कैमरा वगैरह लैपटॉप वगैरह है ना तो यहाँ पे कई लॉकर भी हैं, वहाँ आप सबमिट कर सकते हैं, सामने देख रहे हो
राजू क्लॉक रूम है, यहाँ भी सबमिट कर सकते हैं। 100 रुपए लेते हैं एक कैमरा एक लैपटॉप वगैरह के। बारिश तो भाई तेज हो चुकी है। कितने का है? 50 रुपीज। तो भाई 50 रुपए का रेनकोट मिल रहा है यहाँ पे। ये देखो बारिश तेज हो गई, लेना ही पड़ेगा अब तो। हम सोच रहे थे भाई रहने तो बच जाए, पैसे तो बढ़िया है, बट लेना ही पड़ रहा है। तो दोस्तों रेनकोट पहन लिया है, आगे बढ़ते हैं। अब जादू बन चुके हैं सारे हम। देखो चलो आगे चलते हैं। जय माता दी, जय माता, जय माता। अरे हिमांशु भाई कहाँ गए, पता ही नहीं लग रहा कौन है। सारे एक जैसे लग रहे हिमांशु भाई। अरे बगल में ही चल रहे यार, पता ही नहीं लग रहा, सारे पीले पीले चमक रहे हैं यार। दोस्तों यहाँ पे टी सीरीज है गुलशन कुमार जी की, और यहाँ पे उनका भंडारा चलता है, लेकिन भंडारे में जाने का रास्ता आगे से है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से बच्चों को ये मिल जाता है, आपको क्या बोलते हैं इसे, बेबी चेयर कह सकते हैं इसको। तो ये मिल जाता है, ये आपको ऊपर तक लेकर जाएंगे। भैया कहाँ तक लेकर जाओगे, कहाँ तक कह रहे हो? भवन तक, भवन तक ही लेकर जाएंगे। क्या क्या रुपये लगेंगे उसके? 550 रुपये बता रहे हैं उसके, भवन तक लेकर जाएंगे। अगर आपके पास बच्चा है ना, आप लेकर नहीं जा पा रहे, तो ये यूज़ कर सकते हो। 550 रुपये लगेंगे भवन तक ले जाने के आपके बच्चे को। दोस्तों अगर आप नए रास्ते से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं, मतलब ये चेकिंग करवा के वहाँ से। जस्ट हम थोड़ा सा आए हैं और ये रहा रास्ता, नए रास्ते पे, नया रास्ता है ये, भवन की ओर भी जाता है, अर्धकुंवारी की ओर भी जाता है। इस वाले रास्ते पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो यहाँ से भी जा सकते हैं। एक बार ना आपको यहाँ से हम ये पालकी और घोड़े का रेट बता देते हैं, उसके बाद नए रास्ते से ही जाएंगे, क्योंकि इस वाले पे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है भाई। तो दोस्तों अगर आप घोड़े खच्चर के द्वारा, पालकी के द्वारा जाना चाहते हो, तो भाई घोड़े के द्वारा अगर आप जाना चाहते हो तो भाई अर्धकुंवारी तक रहने वाले हैं 650 रुपये, भवन तक के रहने वाले हैं भाई आपके 1250 रुपये। पालकी के द्वारा जाना चाहते हो अगर भवन तक, तो रहेंगे आपके 3850 रुपये, और अगर अर्धकुंवारी तक जाना चाहते हो तो वो रहेंगे 1850 रुपये। दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि खच्चर वगैरह का क्या हिसाब किताब रहता है। अब भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डीएम कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और देखो अभी हम नए रास्ते पे आ चुके हैं, यहाँ से गुलशन कुमार जी का जो भंडारा चलता है उसका रास्ता है जाने का, और यहाँ पर जो है अपना नया रास्ता चालू हो रहा है। चलिए यहीं से यात्रा को शुरू करते हैं। जय माता दी। माता रानी की यहाँ के मुंडन भी करवा सकते हैं अपने बच्चे का। अब ये देखो मुंडन यहाँ पर किया जाता है। चलते चलते हम पहुँच गए बाणगंगा। ये देखो, ये देखो बाणगंगा से यहाँ से होते हुए आ रहे हैं। अरे गिरे गिरे गिरे, ध्यान से भाई ध्यान से। वहाँ देखो माता रानी की एक मूर्ति रखी है। जय माता दी। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको मैं इतिहास ही बता देता हूँ बाणगंगा का। बालगंगा भी कहा जाता है। जब भाई माता रानी भैरव का पीछा कर रही होती है तो हनुमान जी भी उनके साथ होते हैं, लांगुर जिनको कहते हैं, तब कंच का करवाते तो लांगुर को बैठाते हैं ना, तो वही चीज़। तो तब लांगुर होते हैं, बालाजी होते हैं, हनुमान जी होते हैं, वो कहते हैं माता रानी को कि मुझे प्यास लगी है। तो माता रानी क्या है, अपने बाढ़ मार के यहाँ से जल की धारा निकाल देती है, वही है बाणगंगा। हनुमान जी उस पानी को पीते हैं, और माता रानी क्या है, उसी जल को, उसी जल से अपने बाल भी धोती है, अपने केस भी धोती हैं, तो इसीलिए इस जगह को बालगंगा भी कहते हैं। तो दोनों ही नाम से जाना जाता है, और काफ़ी लोग आते हैं अपने बच्चों के मुंडन भी करवाते हैं बालों का यहाँ पर, क्योंकि माता रानी ने अपने यहाँ पे केस धोए थे। दोस्तों नए वाले रास्ते पर हम चल चुके हैं, यात्रा अपनी चालू कर दी है। जय माता दी। तो इस रास्ते की एक दिक्कत है, वो दिक्कत ये है, पहले अच्छाई बताता हूँ यहाँ की। अच्छाई ये कि अभी ज़्यादा लोगों को यहाँ के बारे में पता नहीं है, तो कोई भीड़ नहीं है, कोई भीड़ नहीं है यहाँ पर। उस वाले रास्ते पर ऐसे चल रहे हैं, हट जाओ भाई, ये भाई वो भाई ऐसे, बट यहाँ हम शांति चल रहे हैं, जय माता दी बोलते हुए चल रहे हैं। पर एक दिक्कत ये है यहाँ की कि चरण पादुका के दर्शन हम नहीं कर पाएंगे। माता रानी जब पीछे मुड़ के देखती है ना जहाँ से भैरव बाबा को, कि वो कहाँ है, कितना पीछे है, तो उस जगह को चरण पादुका कहते हैं। उस जगह के, उस मंदिर के हम दर्शन नहीं कर सकते इस रास्ते पर, वो रास्ते में यहाँ पर से नहीं आएगा। तो वैसे यही एक दिक्कत है। बाकी अर्धकुंवारी माता का भवन यहाँ से हम देखते चल सकते हैं, दर्शन करते चल सकते हैं। चलिए चलते दिखाता हूँ पूरा। देखो मतलब काफ़ी कम लोग इस रास्ते के बारे में जानते हैं, और काफ़ी कम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अपने साथ ट्रैवलर चार्ज हैं, असियान हिमांशु ब्लॉग हैं, अतुल सहवाग ब्लॉग हैं। अच्छा पहले आए हैं इस वाले रास्ते से? अच्छा पहली बार आए हो, तो भाई हम सारे ही मतलब पहली बार आए हैं इस रास्ते से। मतलब ऐसा सुना है कि काफ़ी खाली रहता है रास्ता, जब उस वाले रास्ते पे जाते हैं काफ़ी दुकानें दिखाई देती है ना अतुल भाई? दुकानें होती हैं, लेकिन इसमें घोड़े कच्चर वगैरह नहीं होते। देखो ना घोड़े कच्चर है ना दुकान है, हाँ हाँ, जैसे चाय के ठेले वगैरह काफ़ी दुकानें होती, यह कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बाकी अभी हमने शुरुआत ही करी है, देखते हैं ऊपर चल के। अच्छा मिलेगा आगे? अच्छा तुमने वीडियोस देखी होंगी, तुम भी तो पहली बार आए हो। देखते हैं आगे चल के, देखते हैं भाई, हमें पता कुछ नहीं है, बाकी सब आपको दिखाएंगे और हम भी जानेंगे। आ रहा है पानी? आ रहा है, आ रहा है। ओ भाई पानी की भी सुविधा है, देखो नए रास्ते पर जो है बढ़िया किया हुआ है, फ्री सर्विस है पानी की, और अच्छा है पानी यहाँ पे। देखो छोटा सा एक हमें वाटरफॉल मिल रहा है, बहुत छोटा सा है, वैसे पानी देखो पूरा बहते हुए आ रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, वहाँ बाणगंगा में जाके मिल जा रहा है। यहाँ देखो भाई एक प्राचीन हनुमान गुफा भी है, काफ़ी ऊपर जाकर है, वरना जाते जरूर दर्शन करने।
थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई हम करके आए हैं, अभी एक डेढ़ किलोमीटर चल लिए होंगे। यहाँ से हमें ये दिखाई देगा, अब यहाँ पे टीन सेट वगैरह लगे हैं ये देखो। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं, अब आंधी आए बारिश आए कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही बारिश रुक चुकी है अब तो। इस वाले रास्ते पर चल के तो भाई लग ही नहीं रहा कि कल नवरात्रि है, पूरा खाली पड़ा है वाला रास्ता, ना यहाँ कोई दुकान है ना कुछ, बाकी देखते हैं आगे अगर मिले तो। टॉयलेट बाथरूम की सुविधा भी यहाँ पर हैगी, तो भाई यहाँ पर एक दुकान भी हमें दिखाई दे गई है फाइनली। यहाँ पे से हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कुरकुरे वगैरह, बिस्किट वगैरह ले सकते हैं, और यहाँ है प्रसाद, प्रसाद केंद्र माता को चढ़ना का प्रसाद। यहाँ देखो डेकोरेशन हो रखी है थोड़ी फ्लावर्स से। दोस्तों देखो कितना प्यारा नज़ारा है, हम पूरा वहाँ से होते हुए आए, निहारिका कॉम्प्लेक्स वहाँ सामने है। आप चाहो तो भाई क्या कहते हैं, बस स्टैंड से भी ऑटो लेकर यहाँ पर आ सकते हैं नए रास्ते पर, और यहाँ भी उस तरीके से चेकिंग होती है जैसे पीछे चेकिंग हुई थी ना हमारी, अब फिर से करवानी पड़ेगी हमें चेकिंग। ये तो लिखा है श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन करा होगा ना नया मार्ग का, तो वही लिखा है 19 मई 2018 को किया था। यहाँ से भी देखो RFID कार्ड बन जाएगा। यहाँ सामने देखो भाई एक व्यू पॉइंट है, चलिए यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, लोग फोटो ले रहे हैं यहाँ से। वाह क्या नज़ारा है, बीच में थोड़े पेड़ आ रहे हैं, ऊपर से काफ़ी अच्छा दिखेगा। दोस्तों देखो यहाँ से गाड़ी की सुविधा भी है, गाड़ी के द्वारा भी आप जा सकते हैं। ये देखो काफ़ी लोग जा रहे हैं, ये देखो। दोस्तों साथ में लेकर आए हैं बूफर स्पीकर, तो इसमें माता रानी के भजन चलाते हुए चलते हैं। पूरा रास्ता खाली है, केवल हम ही चल रहे हैं यहाँ पर, तो भाई नवरात्रि के टाइम में। ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण। दोस्तों चलो यहाँ से चलते हैं, व्यू देखकर आते कैसा रहेगा यहाँ से व्यू। वैसे तो टंकियां रखी है यहाँ पर, ये भाई ये क्या है यहाँ पर, भाई साहब वाह क्या व्यू है यार, सच में भाई बहुत ही प्यारा यहाँ से नज़ारा है। तो अगर ताराकोटा मार्च आप आते हो ना तो ये नज़ारा आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जो नया रास्ता वहीं से हम आ रहे हैं और ये नज़ारा मिला हमें। अभी बारिश का मौसम है तो ग्रीनरी भी कितनी अच्छी लग रही है। दोस्तों यहाँ पे फोटो वगैरह हम ले रहे हैं, तो आप यहाँ हो तो आप रील्स फोटो यहाँ पे ले सकते हो, अच्छा है मतलब। दोस्तों बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ इस वाले रास्ते से, बहुत प्यारा, ये यहाँ देख सकते हैं बहुत ही प्यारा नज़ारा, और हवा इतनी बढ़िया चल रही है, पसीने आ गए थे, हालत ख़राब हो गई थी, बट भाई ठंडी ठंडी हवा सारी थकान दूर होगी, बहुत अच्छा लग रहा है। जय माता दी। थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं कि खड़ी है यहाँ की चढ़ाई, थोड़ी सी वहाँ से खड़ी है हल्की सी। देख रहा भवन कितना किलोमीटर दूर है, भवन देख रहे हो और दुकारी भवन, भवन देखो, भवन देखो 13 किलोमीटर, एक घंटा 6 मिनट दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है, गाड़ी से। अच्छा जी पैदल थोड़ी दिखे। एक और अच्छी बात यहाँ की बताए तो यहाँ के जो वॉशरूम है ना बहुत नीट एंड क्लीन है, काफी साफ सुथरे है, आराम से जाओ अच्छा लगेगा आपको काफी, मतलब ऐसे नहीं लगेगा कि बेकार है बहुत। और यहाँ सामने देखो है नवग्रह वाटिका, यहाँ भी आप जाके दृश्य देख सकते हैं, व्यू पॉइंट यहाँ पर भी है, बाकी यहीं से ये रास्ता ऊपर भी निकलता है। ये जो नवग्रह वाटिका वाला रास्ता था ना वहाँ से अभी हम आ चुके हैं, ये रास्ता ऊपर भी जाता है, बाकी यहाँ पे अच्छा व्यू पॉइंट भी है। देखो ये देखो यहाँ पे फ्लावर्स लगाए हुए हैं, आइए ऊपर चलते हैं, चल रहे हैं भाई यहीं से ऊपर, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, बाकी वहाँ एक व्यू पॉइंट है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे वाटिका बनाई हुई है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो सिटिंग अरेंजमेंट भी है यहाँ पे, हट बनाया हुआ है, वहाँ आगे से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये वाटिका है ना यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू दिखाई दे रहा है, देखो पूरा यहाँ से पहाड़ों का नज़ारा आप देख सकते हैं। उस रास्ते पे जाओगे घोड़े खच्चर दिखेंगे, यहाँ पे आओगे इतने प्यारे प्यारे व्यू दिखेंगे। ये देखो कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ से, सब लोग फोटो ले रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों देखो कितने सारे खिलौने रखे हैं वहाँ पे सामने, देख सकते हैं आप घर मकान है भाई, इतने छोटे छोटे लग रहे हैं। बाकी यहाँ पर देखो भाई वैष्णो देवी के इस वाले रास्ते में हमें मिल गया मैकडोनल्ड, वहाँ लिखा है सामने नो गार्लिक नो ऑनियन प्योर वेज, 115 रुपये का बर्गर है। और दोस्तों अर्धकुंवारी की बात करें तो वो आप दर्शन कर सकते हैं वहाँ, वो देखो बहुत टाइम लग जाएगा अभी तो जाने में, अभी टाइम क्या हो रहा है देखते हैं, ये अभी 2:38 हो रहे हैं भाई। तो भाई ये देखकर दिल खुश हो गए, ये आप देख सकते हो 400 मीटर आगे मिलने वाला है लंगर हमें। अब ये देखो अब कैसा व्यू पॉइंट आ गया यहाँ पर भाई, एक से एक अमेजिंग पॉइंट है यहाँ तो। ये देखो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चरण पादुका और वहाँ अर्धकुंवारी, बाकी व्यू देखो। कौन सा वर्ड है भाई यहाँ पर, ये देखो यहाँ देखो भाई हम पहुंच गए लंगर के पास, यहाँ पे बहुत अच्छी वाटिका बनाई हुई है, फोटो ले रहे हैं लोग भाई। ये वाला जो रास्ता है ना सुंदरता पे काम किया गया है इस रास्ते पर जो है,
यहाँ देखो भाई लिखा हुआ है ये त्रिकोटा 0 किलोमीटर, अर्धकुंवारी 0.4 किलोमीटर है, तो 4.5 किलोमीटर लगभग है और 2 घंटे लगी जाएंगे अभी जाने में। तो यहाँ पे चल के लंगर कर लेते हैं भाई, खा लेंगे बढ़िया से अभी जो है, क्योंकि टाइम लगेगा अभी, हालत भी ख़राब हो जाएगी। बहुत सुंदर बनाया हुआ है देखो चुका को, वाह देखो कितना अच्छा लग रहा है, फाउंटेन वगैरह अभी लगाया है। सच में भाई बहुत सुंदर बनाया है इस वाले रास्ते को, जो नया वाला रास्ता है ना, कितना प्यारा व्यू लग रहा है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। चलो भाई चल के देखते हैं लंगर में क्या मिलेगा, ढंग सा मिल जाएगा कुछ मज़ा आ जाएगा फिर। अभी कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये देखो, बाकी भाव लंगर के लिए लाइन लगी हुई है देखो वहाँ पे। तो भाई देखते हैं क्या मिलने वाला है लंगर में, यहाँ देखो व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, बैठ के खा रहे हैं लोग, चावल मिल रहे हैं शायद दाल चावल। दोस्तों लंगर में हमें मिला यहाँ पे दाल चावल है और ये पता नहीं चटनी टाइप है कुछ, टमाटर का है ये शायद, देखने में लग रहा है ऐसा। तो भाई लंगर खा लिया, अब लाइन में लगे हुए हैं बर्तन धोने की, जो आप खाओगे ना जिस थाली में वो आपको खुद ही धोनी होगी, लाइन लगी देखो बर्तन धोने के लिए। दोस्तों प्लेट धोने के बाद अभी इस वाले पॉइंट पे हम आ चुके हैं, फिर से एक व्यू पॉइंट है यहाँ पर, देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। भाई ठंड लग रही है अब तो, भाई मौसम हो गया बहुत ठंडा, तो भाई जैकेट वगैरह शॉल वगैरह स्वेटर वगैरह लेकर ही आना, रात में इनमें लाइटिंग भी हो जाएगी, अच्छा लगेगा काफ़ी। अब अर्धकुंवारी का है, बहुत ठंड लग रही है यार, जैकेट डालनी पड़ेगी। बहुत ही प्यारा नज़ारा है, बारिश की बूंदें गिर रही है, ठंड लग रही है अब तो भाई, तो फटाफट जैकेट डाल लेते हैं बैग में से निकाल के। जैकेट तो डाल लिया बस, अब थोड़ी ना चाय की हुड़क लग रही है, चाय मिल जाए ना इस रास्ते में तो मज़ा आ जाएगा। अब देखते हैं चाय कब मिलेगी, तभी अब आपको दिखाएंगे, सीधा चाय पे मिलते हैं। यहाँ सामने है मिल्क बूथ, क्या क्या यहाँ पे मिलेगा देख सकते हैं आप। दोस्तों रास्ते में ढोल वाले मिल गया, यहाँ आके देखो ढोल वाले हैं भाई, चार बज के 15 मिनट हो रहे हैं और अभी जो है अर्धकुंवारी 2 किलोमीटर है। अभी तक एक कमी मुझे जो लगी है ना सबसे बड़ी, वो यही लगी है कि भाई चाय की दुकान एक भी नहीं मिली है यार, चाय की उड़क लगी है, चाय मिली नहीं थी, चाय तो जरूरी है भाई। आगे स्टॉल बता रहे हैं आगे। अच्छा आगे चाय का स्टॉल है, आगे बता रहे हैं, मैंने पूछी था अभी किसी। अच्छा तो बता रहे हैं आगे चाय का स्टॉल है, देखते हैं। सामने देखो बीकानेर वाला भी आ गया यहाँ पर, तो इस वाले रास्ते में अभी बढ़िया सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर है और व्यू पॉइंट देखो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से व्यू। चाय कम पियेंगे व्यू ज़्यादा देखेंगे ना। यहाँ का जो मेन्यू है ना इस प्रकार रहने वाला है, आप देख सकते हैं भाई, वीडियो पॉज करके देख लेना। ये आ गई यहाँ पे अपनी चाय और स्नैक्स वगैरह हम साथ में लेके आए थे, ये गुड डे बिस्किट मॉम्स मैजिक वगैरह। तो भाई चाय पी ली, थोड़ी राहत मिली, हम 2 बार बैठे हैं, तब खाना खाया था और अभी चाय पी थी तब। अब देखते हैं अर्धकुंवारी कितनी देर में पहुँचते हैं, 1.5 किलोमीटर है यहाँ से। तो भाई इनसे पूछ लेते अपने साथियों से कैसा लगा इनको, ये भाई कैसा लगा रूट, ये वाला कैसा लगा, ये वाला रास्ता साफ सुथरा है, थोड़ा लंबा है, बाकी यार इसमें जितने फूड जॉइंट्स हैं वो मतलब सारे ब्रांड्स वाले हैं, और चाय के स्टॉल नहीं मिला मेरे को, बाकी तो ठीक है यहाँ पर। और अगर थोड़ी बस ये कमी लगी है कि चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा सी है ना, चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है थोड़ा लंबा ज़्यादा चल रही है मैं। हाँ ऐसा लग रहा था अर्धकुंवारी आप पहुँच चुके होते कब के। हाँ पहुँच चुके थे, ये थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ता है शायद इस रूट पर। हाँ बाकी वॉशरूम यहाँ पे ना नीट एंड क्लीन है। हाँ अगर आप हाइजीनिक है तो आप वॉशरूम वगैरह यहाँ पे ना आपको सही मिलेगा। ये तो है, वॉशरूम वगैरह काफ़ी साफ सुथरे हैं और भीड़ भी नहीं है, शांति से अपना जा सकते हैं। उस वाले में कभी घोड़े खच्चर आ रहे हैं कभी, रात के लिए सेफ नहीं है, अगर आप रात को यहाँ पे आ रहे हैं तो मैं रात के लिए सजेस्ट करूँगा मत आइए इस रूट से, क्योंकि बहुत कम लोग चलते हैं रात में और फिर से होता है कि जंगली जानवर का भी खतरा होता है। सही बात है, तो रात में जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगी, क्योंकि दिन में कम लोग चल रहे हैं तो रात में तो भाई सोच लो कितने कम चलेंगे, कोई जानवर वगैरह निकल के आ जाए तो रात में बिल्कुल भी मत आना। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा रात को मत आना। बाकी यहाँ सामने आप देख सकते हैं अब जाके मैं बंदर दिखाई दिए हैं, उस रूट पे तो बहुत दिखते हैं बंदर बंदर वगैरह बहुत। दोस्तों यहाँ से फिर से दिखाता हूँ व्यू देखो, दोस्तों अभी हम यहाँ पर आ गए हैं इस पॉइंट पर, यहाँ आप देख सकते हैं बैटरी कार टिकट काउंटर है, ये 354 रुपये में आपको अर्धकुंवारी से लेकर जाते हैं माता के भवन तक, तो अगर आप थक गए हैं तो आप जा सकते हैं इसमें। यहाँ देखो भोजनालय भी है और यहाँ से देखो अर्धकुंवारी हम आने वाले हैं, यहाँ से घर देखो कैसे लग रहे हैं भाई, खिलौने बिल्कुल कितने छोटे छोटे। रास्ते में खड़े हैं प्लेयर फॉर्म पर खड़े हैं, कोई सोचते क्या जल्दी जल्दी प्लेयर फॉर्म पर रास्ता खाली कर दे। दोस्तों हम आ चुके हैं अर्धकुंवारी, ये आप देख रहे हो सामने, ये रहने वाला है भाई अर्धकुंवारी का सेल्फी पॉइंट, ये देखो पूरे में फॉग हो रहा है, धुंध हो रही है, ऊपर तो 100% ठंड है भाई, बढ़िया वाली
यहाँ लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। ये देखो भाई कितना बड़ा बकरा है यहाँ पर, बहुत गर्म है, इसके जो बाल है ना जो लगे हुए हैं बहुत गर्म है, स्वाटर भी फैला है। क्या कहते हैं इसको, बथरा? बकरा। अच्छा बकरा, बकरा तो मालूम है, बकरा कहते हैं। हाँ, यहाँ सामने आप देख रहे हो ये शौचालय है, विश्राम कक्ष है यहाँ पर, यहाँ पे आप आराम कर सकते हैं, लेकिन भीड़ बहुत है। देखो लोग बाहर तक बैठे हैं, और सामने वहाँ पे जो है डिस्पेंसरी वगैरह भी है, रेस्टोरेंट है, कई ढाबे वगैरह हैं, और गर्जुन गुफा है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ढाबे भी है, रेस्टोरेंट मैकडोनाल्ड बीकानेर वाला है, सागर रत्न है, और कहीं यहाँ पे ढाबे भी हैं। यहाँ आरती भोजनालय है सामने देखो, और कहीं यहाँ पे माता के प्रसाद की दुकान भी है, मेडिकल स्टोर भी है, पूरी सुविधा है। मतलब तो यहाँ है सरकारी भोजनालय, श्राइन बोर्ड की तरफ से ये मेन्यू देख सकते हैं आप दोस्तों। यहाँ पर आप सामने देख रहे हो गर्जुन गुफा की पर्ची लेने के लिए लाइन लगी है, गर्जुन गुफा का जो नंबर है उसके लिए पर्ची लेनी होती है, फ्री होता है वो, लेकिन भीड़ देखो कितनी लंबी है, लाइन देखो। यहाँ भक्ति भवन भी है, लेकिन सारे रूम वगैरह सब कुछ बुक है। दोस्तों देखो कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ पर, त्रिकुटा पर्वत है ये पूरा, और ये देखो लाइन लगी यहाँ पे गर्जुन गुफा के लिए। यहाँ वहाँ से अंदर नंबर आता है ना तब, तो गर्जुन गुफा में जाते ये 24 घंटे लग जाते हैं नंबर आने में, कई बार 48 घंटे भी लग जाते हैं, तो बहुत कम ऐसा होता है कि भाग्य होता है कि हो पाए दर्शन। दोस्तों यहाँ पर आपको 800 रुपये में रूम मिल जाता है, लेकिन फिलहाल तो भाई हाउसफुल है, ये देख सकते हैं आप लिखा है रुपये 800 रुपये। बाकी यहाँ पर ये भक्ति भवन है, यहाँ पर आपको डॉर्मेट्री वगैरह मिल जाती है, हॉल मिल जाता है, हॉल में आप बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, लेकिन इस समय सब कुछ फुल है। बाकी यहाँ सामने देखो भाई माता रानी की डेकोरेशन चल रही है भाई, जय माता दी लिख रहे हैं यहाँ पर, अभी जो है काम किया जा रहा है डेकोरेशन का जो है। यहीं पर ही आपको क्या है ना लॉकर वगैरह मिल जाता है, बैग मिल जाता है, बैग कह रहा हूँ गद्दे मिल जाते हैं, और ब्लैंकेट वगैरह मिल जाता है, लेकर अपना कहीं भी डाल के जहाँ जगह मिले आराम कर सकते हो। फिर ये देखो अपनी शूटिंग में लगे हुए हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं आप गर्जुन गुफा माँ लिखा है वहाँ पे। दोस्तों टाइम देखो ये 6:15 हो रहे हैं, हम जो है यहाँ पर आ गए थे 5:30, लेकिन चाय पानी पिया हमने, स्नैक्स वगैरह करे, तो इतना टाइम हो गया, तो अब निकलेंगे भवन की, और यहाँ से रास्ता है वे टू भवन। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ के बारे में, और यहाँ देखो डेकोरेशन हो रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, वहाँ भी देखो जय माता दी लिखा जा रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो दोस्तों ये देखो यहाँ पे गर्जुन गुफा है ना, आपको मालूम ही होगा गर्जुन गुफा के बारे में, फिर भी बता देता हूँ। तब भैरव बाबा पीछा कर रहे होते हैं ना माता रानी का, तो 9 महीने इस गुफा के अंदर ठहरती हैं, और इस गुफा को जो है माता का गर्भ भी कहा जाता है, इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि जिंदगी में एक बार इस जगह जाया जाता है। दोस्तों गर्भजून गुफा में नंबर तो आता नहीं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो हम पीछे से जाके दर्शन करके आगे, बहुत अच्छे दर्शन हुए पीछे से ही। चलिए दोस्तों अब चलते हैं भवन की ओर, वे टू भवन लिखा है, तो भवन जाने के लिए दो रास्ते, ये है वे टू भवन लिखा है ना यहाँ पर, ये रहने वाला है हेमकोटी मार्ग, और वहाँ दूसरी साइड है हाथीमथा मार्ग। हाथीमथा मार्ग में क्या है ना खड़ी चढ़ाई है, तो ज्यादातर लोग अब जो यहीं से जाना पसंद करते हैं। चलो हम यहीं से चलते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, चलते रहो चलते रहो। जय माता दी, 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 जय माता दी। दोस्तों रूम वगैरह डोरमेट्री वगैरह सब कुछ बिल्कुल फुल है, तो लोग देखो यही रास्ते में देखो किस तरीके से लेटे हैं बैठे हैं, तो आप भी अपने साथ चद्दर वगैरह रखें ताकि आप भी बैठ सकें, ऐसे सब कुछ फुल मिले अगर। दोस्तों नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ भाई, ऐसा लग रहा है दिवाली की लड़ियाँ लगाई हुई है, देखो कितना मस्त लग रहा भाई। हाँ नीचे देखो भाई क्या बेहतरीन नज़ारा भाई, ये है कटरा का नजारा दोस्तों, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना कटरा, पूरा ऐसा लग रहा है कि मोती बिखेर दिए, इतना सुंदर लग रहा है। नीचे देख के लगा दिवाली आने वाली है भाई। जय माता दी, फिर से बोलो जय माता दी, दर्शन होंगे जय माता दी, द्वार निकट है जय माता दी, तुम भी बोलो जय माता दी, मैं भी बोलूं जय माता दी, अरे क्या कहना है जय माता दी, अरे क्या कहना है जय माता दी, अरे तुम भी बोलो जय माता दी, आगे वालो जय माता दी, तुम तो बोलो जय माता दी, अरे क्या कहना है जय माता दी, अरे क्या कहना है जय माता दी, दिल्ली वालो जय माता दी, अरे तुम तो बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। 2-3-4 माता तेरी जय जयकार, 1-2-3-4
माता तेरी जय जयकार। जय माता दी, 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 जय माता दी। तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया मेहरावालिए, तो हम आ गए यहाँ पे डोसा पॉइंट हिमकोटी। तो भाई 3 किलोमीटर हम क्या कहते हैं अर्धकुंवारी से आ चुके हैं, केवल 20 मिनट में माता रानी ने इतना साथ दिया, माता का नाम लेते लेते 3 किलोमीटर आ गए 20 मिनट में। भाई कुछ बात हो गई, बंदरों का पूरा ग्रुप जा रहा है, देखो क्या हो गया भाई, क्या हो गया, ये कुछ बात हो गई मुझे लग रहा है। दोस्तों वो देख सकते हैं आप, यहाँ पे लाइट दिखाई दे रही ब्लर है क्योंकि बीच में ये जाली है ना, तो ये माता के भवन वाली लाइन है, बस पहुँचने वाले हैं। ऊपर वाली जो लाइन है वो लाइट वाली, वो है भैरव बाबा की चढ़ाई। भाई ये देखो ये भाई तो कैसे कर रहे हैं, साष्टांग दंडवत करते हुए पूरा जा रहे हैं, बहुत बढ़िया यार। ये देखो ये भाई भी, जय माता दी, देख रहे हो, देखो भाई हिरण वहाँ सामने, देखो ऊपर पहाड़ पे, अरे वो देखो ऊपर, वो है उधर हिरण, हिरण है, वो हिरण है, हिरण है, हिरण है। इंडिया 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 इंडिया। सो दोस्तों एक बड़ी खबर, इंडिया जीत गए। 3 cheers for India, hip hip, hurrah!